नमस्कार जीएस गैलेक्सी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर जो है वो फ्री क्लासेस कंडक्ट करने जा रहे हैं। अभी तक ट्रेंड एनालिसिस में आप लोग को बताया जा चुका है कि कहाँ से जो है वो कोर एरिया कहाँ पे है। एक एक वर्ष का जो है क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया गया था पिछले 8 वर्षों का, जिसमें प्राचीन भारत था, मध्यकालीन भारत था, आधुनिक भारत था और आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट था। तो वहां से सारे आंकड़ों को रखने के साथ कहा गया कि ये कैसे एक ट्रेंड है यूपीएससी का और किस जोन से जो है ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को एक आइडिया लगा कि कोर एरिया क्या है, और कोर एरिया, बफर एरिया और पेरिफेरल एरिया, इस तरीके से ये मेरा अपना एक डिवीजन है। तो कोर एरिया हम लोग उसे कहते हैं जहां से हर साल जो है वो बंच में क्वेश्चंस, हर सिलेबस का एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बंच में वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री के कोर एरिया के रूप में हम लोगों ने देखा था कि लगभग हिस्ट्री से 15 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें से अराउंड 50% क्वेश्चंस जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास से 8-9 प्रश्न रहते ही रहते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास को भी मैंने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ था। पहला जो सेगमेंट था वो 1707 से 1757 था। दूसरा जो सेगमेंट था वो 1757 से 1857 था, और तीसरा सेगमेंट 1857 से 1947, एंड लास्ट में क्या किया गया था, थीमेटिक टॉपिक किया गया था। थीमेटिक टॉपिक, ऐसा टॉपिक जिसका सारोकार पूरे आधुनिक भारत के इतिहास से है। वहां पर भी वीडियो में जाकर के देखिएगा, उसका पीडीएफ मैं जो है अपने जीएस गैलेक्सी के टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दिया हूँ, वहां से पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सेप्शनली भी हम लोगों ने देखा है कि 1707 से 1757 पे पिछले 8 सालों में यूपीएससी ने प्रश्न नहीं पूछा है। बच्चों फिर से मेरे कहने का ये कहीं से भी इंटेंशन नहीं है कि आप मत पढ़िएगा, आप इसे बिल्कुल पढ़िएगा। अब प्री के एग्जाम आप लोग के फिर से, आईएएस के प्री के एग्जाम फिर से आप लोगों के नजदीक आ रहे हैं। तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है एक प्रेशर बनना शुरू होता है, और ये आपके कैपेसिटी में, आपके क्या किसी के कैपेसिटी में भी नहीं होता है कि वो पूरे सिलेबस पे अपना कमांड कर ले। पूरे सिलेबस में मीन्स कि आप लोग को 5000 ईयर्स की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, इसके अलावा पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, करेंट अफेयर्स पढ़ना है, जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं, जो इनोवेशंस, इनोवेटिव पार्ट है, उनको पढ़ना है। तो सब मिला जुला करके लास्ट मोमेंट आते आते ना ज्यादा ग्रिप जो है उस सेगमेंट पे किया जाता है। हर सब्जेक्ट का जो एक कोर जोन होता है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो कमांडिंग पोजीशन में होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को 5-6 प्रश्न आप लोग के जोन में आ जाता है, तो मैंने बताया हुआ था कि कोर एरिया हिस्ट्री में 1857 से लेकर के, और थीमेटिक टॉपिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में है, यहाँ से 5 प्रश्न आप लोग को मिल जाने हैं। आंकड़े जो है वो रखे जा चुके हैं। तो अगली क्लासेज हम लोग की शुरू होगी 1857 से, हम लोग शुरू किया जाएगा, और 1857 से लेकर के हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, और फाइनली 1947 तक इसे किया जाएगा। मींस कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से हम लोग फर्स्ट अपनी क्लास को शुरू किया जाएगा, देन आफ्टर फिर आगे बढ़ा जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप जो है 1857 के बाद फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट किया जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किया जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट 3 स्टेज में हुआ था। पहला जो था वो मॉडरेट फेज था, दूसरा जो था वो एक्सट्रीमिस्ट फेज था, और तीसरा जो था वो गांधीयन एरा था, गांधीवादी युग रहता है। तो इसे करते हुए हम लोग जो है ग्रेजुअली जैसे गांधीवादी युग में आएंगे, तो वहां पे तीन तीन जो है मास मूवमेंट होंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होगा, और क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, भारत छोड़ो आंदोलन होगा। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग करते हुए 1947 तक आएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अपना जो थीमेटिक टॉपिक है
विषयगत जो हम लोगों के वो है टॉपिक है उसे किया जाएगा। तो थीमेटिक टॉपिक में पहले भी चर्चा किया जा चुका है, ये देखिए ये मेरा अपना एक क्रिएटिविटी है और इससे मैं पिछले 3 सालों से रख रहा हूँ। जो लोग पहले से जान रहे हैं स्टूडेंट वो इन सारी चीजों को पहले भी अगर मेरे क्लासेज में रहे होंगे तो वहां भी इन सारी चीजों को नोटिस किया होंगे। तो थीमेटिक टॉपिक में हम लोग पहला टॉपिक किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ब्रिटिश भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है उसे किया जाएगा। देन आफ्टर जो है ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन जो हुए थे उसे किया जाएगा। देन आफ्टर ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन हुए थे, मीन्स कि एक ब्रॉडर ये सेगमेंट होता है जो तो कोई एक यूनिट से नहीं, एक ब्रॉडर एरिया मतलब जहां से किसान आंदोलन की उत्पत्ति नील आंदोलन से वहां से लेकर के तेभागा तक 1946 तक हम लोग किया जाएगा। मजदूर आंदोलन की शुरुआत आप देखेंगे द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे से जो है वो शुरू होता है। इसके पहले का भी जो बैकग्राउंड बनता है, शशिपाद बनर्जी रहते हैं, एम एल लोखंडे रहते हैं, ये पूरा जहां से पृष्ठभूमि बनता है वहां से लेकर के और ट्रेड डिस्प्यूट बिल तक और उससे आगे तक भी भारत छोड़ो आंदोलन में मजदूरों का क्या रवैया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूर आंदोलन का क्या रवैया था, उन सबको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा थीमेटिक टॉपिक में ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं, जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हो रहे हैं उसे देखा जाएगा, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को किया जाएगा। देन आफ्टर ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास है, शिक्षा तथा प्रेस का विकास, प्रेस का विकास और प्रेस पर समय समय पर जो सैंक्शन लगाए गए, जो इस पर प्रतिबंध लगाए गए, उन सारे टॉपिक को हम लोग देखा जाएगा। फिर जो है ब्रिटिश भारत में जो है भारतीय ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल जो है इसे किया जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो रहेगा इसको हम लोग 2 सेगमेंट पे देखा जाएगा। पहला सेगमेंट तो रहेगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा था, रैयतवाड़ी महालवाड़ी और जमींदारी जो व्यवस्था थी। देन आफ्टर जो है वो किस तरीके से शहरों का जो हम लोगों का हथकरघा उद्योग था उसको इन्होंने अपने कॉलोनियल पॉलिसी से जो है निगेटिवली हैम्पर किया हुआ था। ये तो ये हम लोग का पूरा एक कोर एरिया का जो प्लान रहा। इसके अलावा हम लोग 500 क्वेश्चन और आंसर का प्रैक्टिस किया जाएगा। ये केवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से नहीं होगा, ये पूरे आपकी हिस्ट्री के सिलेबस से ये क्वेश्चंस रहेंगे। इन क्वेश्चंस को 3 भागों में हम लोगों ने वो किया हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन जो रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब एक जो ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रुप ऑफ सेट रहेंगे, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो एनसीईआरटी में मैंने पहले भी आप लोग को बताया है, अपने यहाँ पे जो एनसीईआरटी की बैच चलती है उसे एनसीईआरटी मैजिक बैच कहा जाता है। तो मैजिक बैच इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस मैजिक को मैंने आप लोग को दिखाया हुआ है। और क्यों मेरा मानना है कि एनसीईआरटी ये लेंदी हो जाता है इसलिए लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी को मैंने बताया है क्यों ये चैप्टर वाइज होना चाहिए, चैप्टर वाइज होने से क्या आप लोग को बेनिफिट मिलता है। तो एक एक चैप्टर को हम लोग जो है और एक एक चैप्टर के एक एक पैराग्राफ को स्टूडेंट के साथ लाइव क्लास सेशन किया जाता है, फिर उसके बाद क्लास के एंड में आप लोगों की तरफ से डाउट लिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होगा, अभी भी 50% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से रहते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको प्रिपरेशंस को क्वाइट जो है कंफर्टेबल जोन में लेके जाएगा। इसके अलावा एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे प्रैक्टिस सेट में जिसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मींस कि वहां से क्वेश्चंस का नेचर, जो प्रश्न की प्रकृति होती है उसमें आप ढलना शुरू हो जाते हैं। और तीसरा जो एक प्रश्नों का इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पर जो संभावित प्रश्न है मीन्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर जो आगे प्रश्न बन सकते हैं उस तरीके के प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। तो ये हम लोगों का लगभग अगले 2 महीनों का ये प्लान है कि एक कोरोना क्राइसिस की वजह से आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी यूट्यूब पे छूट गया था, क्लासेस तो कॉन्टिन्यूस हमारे यहाँ पे कभी क्लासेस बंद ही नहीं रहा। कोरोना क्राइसिस का पिछले साल भी जो वो था उसमें लगभग 1 महीने के आसपास में या 25 दिन के आसपास में क्लासेज रुकी हुई थी।
देन आफ्टर उसके बाद अप्रैल के एंड से जो है क्लासेस पिछले साल से कंटिन्यूअस चल रही थी। यूट्यूब पे कुछ तकनीकी अवरोध होने की वजह से जो है वो निरंतर जो है आप लोग के साथ जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन अब प्रयास किया जा रहा है कि चीजें अब सामान्य हो रही हैं, तो इससे आगे भी आप लोगों के साथ टच में बना रहा जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए जो है इसे जो है अपने दोस्तों के बीच में जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, और वीडियो जो भी आए उस पर लाइक जरूर आप लोग किया कीजिए। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले टॉपिक में रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। आपने इस सीरीज को, ये पूरी एक सीरीज चलेगी और इस सीरीज को हम लोग शुरू किया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।